को कामयाब कर सकें, लेकिन इसमें लोको पायलट की सतर्कता से ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची। उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलती है। आपको बता दें कि इस रूट पर वंदे भारत को शुरू हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था। उदयपुर से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर आज फिर से असामाजिक तत्वों की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए थे। समय रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची थी और इसी बीच गंगरार सोनियाना रेलवे स्टेशन के बीच में लोको पायलट ने पटरियों में कुछ गड़बड़ी की आशंका के चलते ट्रेन को रोक दिया, जहां पटरी पर पत्थर और सरिये लगे हुए थे। सूचना पर पुलिस के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मौके पर जांच की। इसमें क्षेत्र के कुछ शरारती लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। इस मामले की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। कुछ दिन पहले भी ट्रेन में इस पर गंगरार क्षेत्र में एक युवक ने पत्थर फेंका था, जिससे कांच क्षतिग्रस्त हो गया था और इस घटना को लेकर के मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य ने बताया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से हादसा घटित हो सकता था और ऐसे में पुलिस और जीआरपी को त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 2 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास्ट भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। आज की घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वंदे भारत जो ट्रेन उदयपुर से जयपुर चली है उस पर आपराधिक तत्वों का षड्यंत्र है और बड़ी दुखद विषय है कि इतनी बढ़िया ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए चली है आम जनता की सुविधा के लिए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह से घटनाक्रम कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे प्रशासन से, रेलवे के पुलिस से अपील करता हूं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून कार्रवाई करें, क्योंकि ये भयंकर हादसा हो सकता था। देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। वंदे भारत ट्रेन के साथ आज एक हादसा होते होते रह गया। इतनी बड़ी साजिश थी कि ट्रेन डिट्रेल हो सकती थी, अपने ट्रैक से उतर सकती थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भिलवाड़ा जिले में आने वाली वंदे भारत ट्रेन जो कि उदयपुर से आती है और जयपुर की तरफ जाती है, अभी ट्रैक देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ट्रैक बिछाए गए हैं। इन पर ट्रेन चलती है, अगर इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए या पत्थर आ जाए, सरिया आ जाए, तो ट्रेन अपना जगह छोड़ देगी और इनसे उतर जाएगी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों के साथ हादसा हो सकता है। और जब ये वंदे भारत के साथ हादसा होते होते रहा, पर इस प्रकार की साजिश भिलवाड़ा में हुई, जब वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर भाटे बिछा दिए गए, पत्थर बिछा दिए गए, यही नहीं सरिये भी लगा दिए गए। लोको पायलट जब ट्रैक पर देखता है उसे कुछ गड़बड़ी दिखती है, उसके बाद वो नीचे उतरता है और देखता है कि सरिये लगाए हुए थे, पत्थर लगाए हुए थे। यात्री जो अंदर बैठे होते हैं कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। बहुत ही बड़ी साजिश को आज लोको पायलट की सूझबूझ से नाकाम कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जब यह घटनाक्रम हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चित्तौड़ आए हुए थे, तो सोचने की बात है कि इस प्रकार के शरारती तत्व, किस प्रकार के बदमाश और किस प्रकार के साजिश ये की जा रही थी कि अगर ये हादसा हो जाता, इस प्रकार की अगर घटनाक्रम हो जाता तो बहुत ही बड़ी घटना ये होती, ट्रेन ट्रैक से उतर जाती, कितने यात्रियों की जान भी जा सकती थी। पर कहीं ना कहीं लोको पायलट की सूझबूझ से ये हादसा टल गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश के पीछे कौन था, इस बदमाशी के पीछे कौन था। रेलवे पुलिस इस पर इसकी जाँच में लगी हुई है, लगातार इस पे पूरी जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उन बदमाशों का, उन साजिशकर्ताओं का पता लगाया जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा।